मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले हमें माल से बचाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। प्रथम ज़ियाकोट यानी सियालकोट में मौजूद हैं और ये हमारा मदनी काफ़िला मेक टाउन में मदीना मस्जिद में हाजिर है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे साथ मदनी काफ़िले में हारिस सुहेल भाई, शाहिद यूसुफ भाई और हमारे काफ़िले की जो इब्तदा हुई वो आज हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करके हुई और ये इस्लामी भाई आज इंशाल्लाह हमारे साथ मदनी काफ़िले के मुसाफिर बने। प्यारे इस्लामी भाइयों, चूँकि मदनी काफ़िले वालों को अक्सर वक्त मस्जिद ही में गुजारना होता है, इसलिए मुनासिब यही है कि चंद बातें एहतराम मस्जिद से मुतालिक सीख लीजिए। शुरू का मदनी काफ़िला को चाहिए कि जब मस्जिद में दाखिल हों तो फौरन एतिकाफ़ की नियत फरमा लें। दौरान एतिकाफ़ मस्जिद के अंदर ज़रूरतन दुनियावी बात करने की इजाज़त है, लेकिन धीमी आवाज़ के साथ और एहतराम मस्जिद को मलहूस रखते हुए बात कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप चिल्लाकर किसी इस्लामी भाई को बुला रहे हों और वो भी आपको चिल्लाकर जवाब दे रहा हो। अबे तबे और गुल गपाड़े से मस्जिद गूंज रही हो, ये अंदाज़ नाजायज़ गुनाह है। अमल का हो जज़्बा अताया इलाही, अमल का हो जज़्बा अताया फज्र का वक्त हो गया, उठो फज्र का वक्त हो गया, उठो ए गुलामान मुस्तफा, उठो ए गुलामान मुस्तफा, उठो काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन सुन्नतें सीखेंगे इसमें, इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। में पांचों नमाजें पढ़ो बा जमात हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदनी काफ़िला सियालकोट ज़ियाकोट में आज उसका आखिरी दिन है और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी काफ़िले में हमारे क्रिकेटर इस्लामी भाई शाहिद यूसुफ अत्तारी ने सफ़र किया था। आइए शाहिद यूसुफ भाई से
हम मदनी काफ़िले में के तासुरात लेते हैं कि इन्होंने मदनी काफ़िले में क्या कुछ सीखा। 3 दिन के काफ़िले में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अपने इस्लामी भाइयों से, और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे। जैसे कि मैंने ईमान मुफस्सिल सीखी है यहाँ पे, और पाकी नापाकी के बारे में सीखा, और वुज़ू का तरीका जो है उसका सही तरह सीखा हमने कि वुज़ू सही कैसे करते हैं। उससे काफ़ी चीज़ें हमें जिनके बारे में मालूमात नहीं थी, और माशाल्लाह मदनी माहौल में रहते हुए हमने ये काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। हमने नमाज तहज्जुद भी अदा की है, और सदाए मदीना भी लगाया सुबह, और हर नमाज के बाद बयानात भी हमने सुने, और काफ़ी चीज़ें हमने दीनी जो है वो सीखी हैं। और इंशाल्लाह मैं नियत करता हूँ मैं कि आइंदा माह आने वाले आइंदा माह में भी 3 दिन के काफ़िले में सफ़र करूँगा, और मदनी कायदे को भी सीखने की कोशिश करूँगा। और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं, मेरी इल्तिजा है उनसे कि वो भी मदनी काफ़िले में सफ़र करें और दीनी इल्म जो है वो हासिल करें। कि ये 3 दिन मेरी ज़िंदगी के शायद बेहतरीन दिन थे जो मैंने मदनी काफ़िले में गुजारे। इसमें मुझे बहुत सारा वक्त जो है वो अपना वक्फ करना पड़ा इस्लाम के लिए, जो मुझे करके बहुत खुशी हुई। और इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा जो मुझे पहले नहीं था पता, जैसे वज़ू के मतलब थी बहुत सारी बातें जो मुझे नहीं थी पता, और मस्जिद के आदाब थे जो मुझे नहीं था पता वो बताए गए। उसके बाद नमाज में जो थोड़ी बहुत इंसान से गलतियाँ होती हैं वो मुझे बताई गई, नमाज तौबा अदा की, नमाज तहज्जुद अदा की, सदाए मदीना दी, उसके बाद फजर के बाद जो बयान था उसमें वो हमने सुना। और मैं कहता हूँ कि ये जितने भी देखने और सुनने वाले हैं मेरे ख्याल में उन सबको जो है ये ऐसा वक्त गुजारना चाहिए जिससे इंसान की रूह को एक सुकून मिलता है। हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन हारिस सोहेल अत्तारी ने भी सफ़र किया, आइए इनसे मदनी काफ़िले में सफ़र के तासुरात लेते हैं। मैं हारिस सोहेल अत्तारी, ये जो मदनी काफ़िला था इसमें मैंने सफ़र करके बहुत कुछ सीखा, जिस तरह मैंने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और फिर उसके बाद हमने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद दर्स हुआ। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस मदनी काफ़िले में सफ़र करें, और आपको इससे बहुत दिली सुकून मिलेगा। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, हम तो गीबत करें ना सुने इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, हम तो गीबत करें ना सुने इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।